मैंने हमेशा आपको उनके साथ देखा है। आपका ताल्लुक उनसे है या गाड़ी? दोनों से। आप तो फिर बड़ी हिम्मत वाले हैं भाई साहब। अरे भाई वो मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला है। आप ठीक कहते हैं, वो फॉक्सी को इस तरह संभालते हैं, इस तरह तो कोई गैरतमंद अपनी बहन को नहीं संभालता। मैं नहीं, महबूबा। वो महबूबा वो क्यों कह रहे हैं आप? जराए हमदर्दी कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी ये महबूबा जो है ना, बस कुछ दिनों की मेहमान है। वो मरम्मत का बिल सुनते ही ना मुझे कहेंगे कि ये मर क्यों नहीं जाती। वो कभी नहीं कहेगा। दरअसल फॉक्सी के मामले में बड़ा टची है वो, समझ रहे, ट्रू लव। वाह, जब इतनी बातें पूछ रहे हैं तो एक पर्सनल सवाल पूछ ले। ये भाई साहब ठीक तो है ना? क्या मतलब? आप पूरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा भाई। मेरा मतलब है कि ये जब घर से जाते होंगे तो वापस आ जाते? जारी से बात, अकेले तो ही जाते। समझ गया। क्या समझ गए? यही कि आपने उनकी जेब में एक पर्चा लिखकर डाल दिया होगा, है ना? पर्चा? और उस पर्चे पे क्या लिखा होगा? पर्चे पे क्या लिखा होगा? उनका नाम, उनके अब्बा का नाम और घर का पता, है ना? मैं स्टार्ट, चाय पियेंगे आप? ओए गफार, चाय लेके आ। साफ के लिए दो चाय लेके आ जल्दी। अपनी फॉक्सी बेच डालो। फॉक्सी बेच डालो? लेकिन फॉक्सी के बारे में तो मैंने कुछ नहीं पूछा। हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? फॉक्सी और तुम साथ साथ नहीं चल सकते। ये फॉक्सी तुम्हें बर्बाद कर देगी। फॉक्सी से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? ये फॉक्सी ही तुम्हारी दुश्मन है। इस पर भरोसा करोगे तो मंजर से दूर हो जाओगे। अजीब आदमी हो तुम। मैं तुमसे अपनी किस्मत के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मेरी फॉक्सी पे सवारी कर रहे हो। देखो, मैंने हिसाब लगाकर बता दिया है, बेहतर है अब किसी को हार नहीं दिखाना। क्यों ना दिखाऊं? क्योंकि साफ लिखा है, जब तक तुम फॉक्सी नहीं बदलोगे तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुमने ऐसा क्या नहीं बदला जिसकी वजह से तुम्हारी किस्मत नहीं बदली? सुनो, मेरे पास भी एक फॉक्सी थी, बिल्कुल तुम्हारी फॉक्सी की तरह। शट अप, एक ढेला नहीं दूंगा तुझे अब। वो तो मुझे पहले ही मालूम हो गया था। कैसे मालूम हो गया था? तुम्हारे हाथ पर सबसे पहले मैंने अपनी किस्मत पढ़ी थी, उस पर साफ लिखा था कि तुम एक ढेला नहीं दोगे।